आज हम देखेंगे स्टेथोस्कोप को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप को क्लीन करने के लिए हमें स्वैब लेना है, कॉटन स्वैब 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में डिप करके उसको हम ट्यूबिंग को सबसे पहले हमें क्लीन करना है। तो हम ऊपर से लेकर नीचे तक इस ट्यूबिंग को क्लीन करते हुए जाएंगे। एक पहले एक तरफ क्लीन करेंगे, फिर उसी कॉटन से हम उसको दूसरी साइड से क्लीन करेंगे। क्लीन करके जब हम ऊपर का ट्यूबिंग क्लीन करेंगे तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब दूसरे स्वैब लेके हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में डिप करके उसको ऊपर से नीचे तक आते हुए उसको ट्यूबिंग को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो ईयर पीस है, ईयर पीस को हम ईयरबड से क्लीन करेंगे। तो उसको हम 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में डिप करके ईयरबड से एक साइड पहले क्लीन करेंगे, फिर दूसरी सतह को भी हम दूसरी साइड से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसको ईयर पीस को निकाल के भी हम क्लीन कर सकते हैं। तो दोनों साइड के हम ईयर पीस को निकाल के उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। डायफ्राम को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं उसको भी हम गोल घुमाते हुए क्लीन करेंगे। इसको हम खोल के भी क्लीन कर सकते हैं। तो हम इसको खोल के भी गोल घुमाते हुए अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए उसको हम क्लीन करेंगे। तो ये हमने डायफ्राम क्लीन किया, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। हम दूसरा कॉटन लेंगे, दूसरे कॉटन को भी डिप करके बेल की साइड का एरिया भी हम उसको अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हुए क्लीन करेंगे। तो स्टेथोस्कोप को हम 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से क्लीन कर सकते हैं।